झेलम, जिसने अपनी बदलती धारा के साथ देखा है भारत का बदलता इतिहास। इतिहास जो कुछ बच गया, कुछ मिट गया, मेरी रेत पर लिखे नामों की तरह। पर उस युद्ध की यादें कभी नहीं मिट सकती जो लड़ा गया मेरे तट पर और निशान छोड़ गया संसार के सीने पर। वो युद्ध जिसमें संसार के सबसे क्रूर और शक्तिशाली विजेता मैसेडोनिया के सिकंदर का विजय रथ रोका गया, उसका भारत पर कब्जा करने का सपना अधूरा छूटा, और सिकंदर नाम के उस तूफान को रोका मेरे बेटे ने, झेलम के शेर ने, भारत की ढाल ने। कुछ लोग उसे पुरु कहते हैं, कुछ पुरुषोत्तम, पर सिकंदर जिसे महान पोरस कहते हुए उसके सामने झुका। उसी युद्ध की सुनी अनसुनी, जानी अनजानी कहानी है ये। पर पोरस और सिकंदर की कहानी सिर्फ उस युद्ध से ही नहीं, उनके जन्म से भी जुड़ी है। इन दोनों महान योद्धाओं का जन्म शायद एक दूसरे के लिए ही हुआ था, और उनके जन्म की कहानी उस दिन शुरू हुई जब एक और विदेशी बुरे इरादों के साथ मेरे तट पर आ रहा था। देखिए हुजूर, आपके ख्वाबों की ताबीर, भारत। अगर आज कयामत होती और हम खुदा होते तो पाक खुदा तुझे जन्नत बख्श देते आदीन। जन्नत तो मैं जीते जी बनाऊंगा हजूर, आप ही की तरह फारस से और सौदागर लेकर आऊंगा इस सोने की चिड़िया में। इतने बड़े ख्वाब के लिए तुम्हारी आंखें कुछ छोटी नहीं है आदि। ने तो हमको रास्ता दिखाया था। रास्ता दिखाती दिखाती हमारे रास्ते में आ गया। ये सोने की चिड़िया मेरा ख्वाब है, और उन आंखों को खुलने की इजाजत नहीं जो मेरे ख्वाब के रास्ते में आ जाए। मेरे सोने की चिड़िया तराइस आ रहा है। तराइस आ रहा है।
है पहली बार यहाँ आए। देखने से ही लगता है जो पहली बार यहाँ आता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कौन हो तुम? मैं हूँ तरकश। और मैं हूँ तलवार। नाम में तो दार है, किसी काम की भी हो। मुझे यहाँ का बाजार दिखाओ। बंग का महीन मलमल, अंगूठी के छेद से पूरा का पूरा थान निकल जाए। और ये है रत्नों का राजा, रीवा का पुखराज। दुनिया भर में मशहूर मसाले, इसकी खुशबू सात समुंदर पार जाती है। छुओ मत। नीलम है ये, होने से किस्मत बदल जाती है। पत्थर छूने से किस्मत नहीं बदलती, कारोबार से बदलती है। कारोबार करना है मुझे। कारोबार? व्यापारी कच्चे हो। मतलब ये कि इस वर्ष के व्यापार के बोली पत्र भरे जा चुके हैं। अब तो केवल ये निर्णय बाकी है कि बोली पर फैसला कौन लेगा। कौन लेगा फैसला, ये तो उत्सव के बाद ही पता चलेगा। मुझे देखना है ये उत्सव।
संस्था के वार्षिक महोत्सव में आमत्य शिवदत्त आपका स्वागत करता है। यह महोत्सव हर वर्ष होता है तक्षला और पौरो राज्य के मध्य में, और जीतने वाले को मिलता है झेलम के व्यापार पर नियंत्रण। पिछली बार की तरह इस बार फिर झुकेगा तक्षला नरेश अंबिराज का सर, और ऊंचा होगा हम पौरवों का ध्वज। तक्षला वालों, दौड़ते हुए आए हो, भागते हुए जाओगे। राजकुमारी अनुसुईया कहाँ है? बालक हमारे शत्रु राज्य का था अनुसुईया, और शत्रुता भुलाई नहीं निभाई जाती है। निभाए तो परंपरा और संस्कार जाते हैं ज्येष्ठ। उस भारत के वंशज हैं हम, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत है। बालक राष्ट्र का भविष्य होते हैं, और आज की शत्रुता के लिए मैं अपने देश के भविष्य के साथ नहीं खेल सकती ज्येष्ठ। भविष्य वो होता है जो अब तक घटा नहीं। मैं आज की बात करता हूं, और आज जो खेल मैं खेलूंगा उसे पौरव कभी भूल नहीं पाएंगे।
आइए, तक्षशिला नरेश अंबिराज। समझ नहीं आ रहा कि आशा लेकर आए अतिथि का स्वागत करूं या फिर हार कर खाली हाथ लौट जाने वाले शत्रु को सहानुभूति दिखाऊं। तुम्हें आदर सत्कार का ज्ञान हो या ना हो, परंतु हमें अतिथि की मर्यादा का ज्ञान है। आमात्य शिवदत्त, हम खाली हाथ गए अवश्य थे, परंतु खाली हाथ लौटे नहीं। हमारी ओर से भेंट स्वीकार करें। किस पर क्रोधित हो? उस भेंट पर जो तुम्हारे सामने आई या उस सच पर जो मेरे सामने आया? शव को कितना भी छुपाओ शिवदत्त, परंतु उसकी दुर्गंध उसका पता पता ही देती है। मेरी मानो तो ये नथ पहनकर प्रजा के सामने आओ। आखिर उन्हें भी तो पता चले कि बमनी से बड़ा होने के बाद भी तुम राजा क्यों नहीं बन सके। ज्येष्ठ,